जी अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो है ये है एक्टिव एक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ LTM BKIP। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये मेरी टोपोलॉजी है, इसमें दो LTM डिप्लॉय किए हैं, BKIP और ये सेकंड वन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम उसके VLANs मतलब के इंटरफेसिस पे डिस्कस करते हैं। एक ये इंटरनल इसका इंटरफेस है, और इंटरनल ये सारा पोर्शन इसका इंटरनल है, और ये इसका एक्सटर्नल पोर्शन है। ठीक है, इंटरनल हमारा वो जो सर्वर साइड पे इसके साथ कनेक्टिविटी होती है, बेसिकली उसको हम इंटरनल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल हमारा जो क्लाइंट है यानी कि जिसने हमारे सर्वर्स या सर्विसेज एक्सेस करनी है वो एक्सटर्नल है। तो सबसे पहले हम इंटरनल पे डिस्कस करते हैं। इसके BIG-IP1 पे, ये मेरा BIG-IP1 है, और इसके BIG-IP1 पे मैंने इंटरनल इंटरफेस सेलेक्ट किया है 1.1, और इस पे IP जो मैंने असाइन किया है 20.1.1.10, और इसी तरह दूसरे जो सेकंड मेरा BIG-IP है, ये सेकंड BIG-IP है, और इस पे जो मैंने IP असाइन किया है 20.1.1.20 है, और 10 और 20 .10 और .20। ठीक है, और इसी तरह ये सर्वर पूल्स है, इसमें मैंने दो पूल्स क्रिएट किए हैं। पूल वन में दो सर्वर्स हैं, जैसे पूल वन में 20.1.1 सर्वर वन का IP है, और 1.2 सर्वर टू का IP है। ठीक है, 1.1 सर्वर वन का IP है, और 1.2 सर्वर टू का IP है, और सेकंड पूल में 1.3 सर्वर थ्री का IP है, और 1.4 सर्वर फोर का IP है। ठीक है, अब सबसे पहले कि ये दो पूल्स क्रिएट करने की क्यों जरूरत, इसको मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि मैं जो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ वो एक्टिव एक्टिव का डिज़ाइन है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी दो पूल्स की। ठीक है, मैं एक पूल, ये पूल वन है और ये पूल टू है। ठीक है, इनको कंफिगर करूँगा, और एक LTM पे एक पूल की ट्रैफिक जो मेरी होगी वो ट्रांसमिट होगी, और दूसरे जो है दूसरा LTM है उस पर दूसरे पूल की ट्रैफिक होगी। तो ये हमारा एक्टिव एक्टिव का सिनेरियो कुछ इस तरह से डेवलप होगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनल साइड पे मैंने फ्लोटिंग IP, जो इंटरनल फ्लोटिंग IP है वो असाइन किया है 20.1.1.30। ठीक है, और इस पे इंटरनल फ्लोटिंग IP है 1.30, जो कि मैं दोनों BIG-IPs पे सेम कन्फिगर करूँगा। ठीक है, और इसकी ये HAVLAN है, HAVLAN इसको मैंने असाइन किया है 30.1.2, और इसको 30.1.1.1, और इनका इंटरफेस मैंने 1.3 सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल साइड वो साइड है जो हमारी क्लाइंट की है। ठीक है, इसके जो BIG-IP1 है इसके एक्सटर्नल पे मैंने IP साइन किया है वो 10.1.1.10। ठीक है, BIG-IP1 को, और इसको BIG-IP2 को मैंने साइन किया है 10.1.1.20। ठीक है, इसके इंटरफेसिस पे, और इसका जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग IP है वो मैंने असाइन किया है 10.1.1.30। ठीक है, ये दो फ्लोटिंग IP दोनों BIG-IPs पे एक्सटर्नल का सेम असाइन किया जाएगा, 10.1.1 और 10.1.30 जो है, 10.1.30 जो है दोनों BIG-IPs पे एक्सटर्नल फ्लोटिंग IP सेम कॉन्फ़िगर किया जाएगा। और इसी तरह क्योंकि मैंने इधर बताया था कि पूल्स मैं दो डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं विचो सर्वर्स भी दो डिफाइन करूँगा। एक भी जो सर्वर का IP है 10.1.1.1.10
1.101 और virtual server 2 का IP है 10.1.1.102, ठीक है। और दो virtual servers define कर दिए, client side पे इस client machine का IP है 10.1.1.11, 10.1.1.100 और इसका gateway जो मैंने assign किया है वो इसका external floating IP है, ताकि अगर कोई भी big IP down होता है या वो standby state पे होता है तो ये अपना फ्लोटिंग आईपी से जो आपने ट्रैफिक बाईपास करेगा, ठीक है। ये टोपोलॉजी है, इसको हम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका एक कैप्चर कर लीजिए ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग बाद में भी दे सकें। तो होप्स हो कि ये समझ टोपोलॉजी की आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ, मशीन की तरफ। ये मेरा इवेंजी का एनवायरनमेंट है और यहाँ पे भी सेम वही टोपोलॉजी है। एक्सटर्नल पे मेरा 10.1.0 वाला नेटवर्क चल रहा है और इंटरनल पे 20.1.0 वाला और 30.1.HAVLAN है। दो पूल्स हैं और क्लाइंट हो रही है, ठीक है। न्यू टैब पे क्लिक करते हैं, बिग आईपी वन को एक्सेस करते हैं। ये मेरा, मैंने इसको इसकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट पे कर दी हैं। मेरे बिग आई पीज जो हैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है, सिर्फ इनके तो लाइसेंसेस हैं वो अपलोडेड। ठीक है, लाइसेंस और इस पे हम नेक्स्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं बिग आई पी टू को लोड कर लेता हूँ ताकि होस्ट नेम इसका मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ बिग आई पी वन डॉट बिग आई पी वन डॉट कॉम इसका होस्ट नेम। ये मेरा मैनेजमेंट एड्रेस है और पासवर्ड ये मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये मेरा बिग आई पी टू है, यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ ताकि जो इनिशियल इसका है वो जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लें, ठीक है। फिनिश्ड।
ये बिग आईपी वन फर्स्ट नेम, ठीक। और ये हम इसके आगे, सबसे पहले हम नेटवर्क और इसमें वीलैंस क्रिएट करते हैं। वीलैन नेम इंटरनल ठीक। इंटरनल वीलैन 1.1 है और टैगिंग अनटैग्ड है, ऐड कर देते हैं इंटरफेस। और इसके बाद मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ, 1.1 ये मेरी इंटरनल है। रिपीट एक्सटर्नल वीलैन और 1.2 एक्सटर्नल है, अनटैग कर दिया और इसको ऐड कर देंगे। और रिपीट रिपीट इसलिए कि अगर हमने कोई इसके अलावा जो हम कंफिगर कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नेक्स्ट वीलैन अगर हमने कंफिगर करनी है तो उसके लिए हम रिपीट कर दें। एच ए वीलैन ठीक। इंटरफेस 1.3 है, अनटैग्ड है, ऐड कर दिया। और फिनिश्ड। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एच ए और इंटरनल, ठीक, ये वीलेंस कंफिगर्ड हो चुकी है। इसके बाद हम नोड्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ आईपी जो है वो साइन कर देते हैं। क्रिएट नेम इंटरनल इंटरनल सेल्फ ठीक। और यहाँ पर हम इसको असाइन करते हैं 20.1.1.10। चेक कर लेते हैं टोपोलॉजी में, ये 20.1.10 है। नेट मास्क 255 255। और इसको वीलैन को हम तय करते हैं इंटरनल वीलैन, पोर्ट लॉकडाउन अलाउ डिफॉल्ट, ठीक। अभी ये हमारा ट्रैफिक ग्रुप लोकल, इसको भी बाद में देखते हैं, ठीक। रिपीट करेंगे एक्सटर्नल सेल्फ आईपी, टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टेन, वीलैन एक्सटर्नल लॉ डिफॉल्ट और रिपीट। एच ए सेल्फ आईपी 30.1.1.1 और वीलन हम सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छे वीलन और अलाउ डिफॉल्ट, फिनिश्ड। ठीक, ये मैंने सेल्फ आईपी क्रिएट कर दिया। अब जो इंटरफेसिस के सेल्फ आईपी से वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। बिग आईपी वन पे 30.1.1 हम कॉन्फ़िगर कर दिया, इंटरफेस वीलन इंटरनल वीलन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और एक्सटर्नल वीलन कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक। अब इस पे हमारा फ्लोटिंग आईपी इंटरनल और एक्सटर्नल रह गया। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल हम कॉन्फ़िगर करते हैं बिग आईपी वन पे, अभी क्रिएट करेंगे इंटरनल
फ्लोटिंग आईडी, ठीक। आईपी एड्रेस हम उसको साइन करते हैं 10.20.1.30, ठीक। और नेट मास्क 255, इधर से हम उसको जो वीलैन है उसकी रिस्पेक्टिव वीलैन उससे हम टैग कर देंगे, लो डिफॉल्ट और फ्लोटिंग, ठीक। रिपीट करेंगे, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल फ्लोटिंग, ठीक। 10.1.1.30 और ये और एक्सटर्नल वीलैन और डिफॉल्ट ट्रैफिक फ्लोटिंग फिनिश कर देंगे। एचए के लिए भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त में उसकी उसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, तो भी सीन में अभी एक्सटर्नल फ्लोटिंग आईपी हमारे पास आ गया, एक्सटर्नल सेल्फ आईपी आ गया, इनको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, और इंटरनल आ गया और इंटरनल सेल्फ आईपी आ गया 20.1.1.10, ठीक। सेल्फ आईपी के बाद हम अभी तक वीलैंस कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ठीक, और सेल्फ आईपीज कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, और लोकल ट्रैफिक पे जाकर मैं नोड लिस्ट ऐड कर, ठीक है, बल्कि मैं ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी ये इस पे हो चुकी हैं, बिग आईपी पे मैं जाता हूँ, बिग आईपी 2 पे इसको भी इनके इंटरफेसिस पे जो है वो वीलैंस पे आईपी असाइन कर देते हैं, सेल्फ आईपी असाइन कर देंगे, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि बिग आईपी 1 पे मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस की जाएं, जो कि इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन सिंक होती रहे बिग आईपी 2 पे, और हमें बिग आईपी 2 पे कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत कम से कम पेश है। इसका नाम रख देते हैं होस्ट नेम bigip2.com और पासवर्ड रख देते हैं ठीक, फिनिश्ड। टोपोलॉजी को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इस बिग आईपी 1 पे मेरी इन वीलैंस और ये फ्लोटिंग आईपी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब बिग आईपी 2 पे जो मैं करने जा रहा हूँ इसके ये सेल्फ आईपीज और ये दो फ्लोटिंग व्हील फ्लोटिंग आईपीज ये कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। हम आते हैं नेटवर्क में और सबसे पहले वीलैंस क्रिएट कर लेते हैं, एक वीलैन इंटरनल वीलैन 1.1 टैगिंग कॉन्टैक्ट एट रिपीट एक्सटर्नल वीलैन 1.2 कॉन्टैक्ट add
एच ए वी नेम 1.3 और अनटैग्ड ऐड फिनिश्ड। तो ये हमने अपनी वीलेंस कॉन्फ़िगर कर ली उसके पर्टिकुलर इंटरफेसेस पे, ठीक है। अब हम सेल्फ आईपीस कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट इंटरनल सेल्फ आईपी, आईपी एड्रेस 20.1.1.20 255 255, और वीलेन जो इसके साथ अटैच करेंगे हम इंटरनल वीलेन, लॉ डिफॉल्ट नॉन फ्लोटिंग और ये रिपीट, ठीक। एक्सटर्नल सेल्फ आईपी और 10.1.1.20 एक्सटर्नल लॉ डिफॉल्ट और ये रिपीट। HA self IP IP address 30.1.1.2 VLAN HA law default और ये repeat, ठीक है। अब मैं जो floating IP है वो configure करूँगा, internal floating IP 20.1.1.30, ठीक। इसको VLAN को टैग कर देते हैं इंटरनल और ये फ्लोटिंग, ठीक रिपीट। इसी तरह एक्सटर्नल फ्लोटिंग, एक्सटर्नल हमारे पास 10.1.1.30 VLAN अटैच कर देंगे एक्सटर्नल VLAN और ये बिल्कुल ठीक फिनिश्ड। तो ये हमारे पास कंफर्म कर लेते हैं एक्सटर्नल फ्लोटिंग आईपी 10.1.30, सेल्फ आईपी 20 और ये हमारी HA और 1.30 इंटरनल फ्लोटिंग और 1.20 इंटरनल टोपोलॉजी से 1.20 1.20 और 1.2 HA का और ये फ्लोटिंग आईपी 1.30 एंड 1.13, ठीक। सेल्फ आईपीज कॉन्फ़िगर कर लिए हमने और इसके बाद मैं सिस्टम को, मैं इन दोनों डिवाइसेस के अब पेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि जो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें करने पड़े डिवाइसेस, ठीक। बेकर की डिवाइस ग्रुप ट्रस्ट ये ठीक, और हम डिवाइस ग्रुप में आएंगे, क्रिएट करेंगे नेम जी। तो हम क्रिएट करने जा रहे थे डिवाइसेस का पेयर और मैं गया डिवाइस मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिवाइस हमारे पास अभी फिल्बक बिग आईपी 1 सेल्फ आ रहा है, इसमें कुछ ऐड नहीं है और डिवाइस ग्रुप में भी कुछ नहीं। डिवाइस ट्रस्ट में हम इसको ऐड करेंगे डिवाइस ट्रस्ट मेंबर्स में, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ऐड की ऑप्शन है, डिवाइस टाइप पेयर
बल्कि इससे पहले मैं डिवाइस पे इसके अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन सिंक वो इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सिंक, फेलओवर और मिररिंग की हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन सिंक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि यहाँ से इस वीलैन से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंक होंगी, तो वो मैं एच ए वीलैन कर देता हूँ। अपडेट फेलओवर नेटवर्क, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि फेलओवर नेटवर्क मेरा इंटरनल का करते हैं और रिपीट करते हैं। सेकेंडरी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो हम मैनेजमेंट का कर देते हैं और फिनिश्ड। ठीक, ये दो मेरे फेलओवर नेटवर्क आ गए। मिररिंग भी हम कर लेते हैं और मिररिंग में इंटरनल अपडेट। तो अभी तक हमने मिररिंग कॉन्फ़िगर की है, फेलओवर और कॉन्फ़िग सिंक। ठीक, अब हम डिवाइस ट्रस्ट पे आते हैं और डिवाइस ट्रस्ट मेंबर्स पे यहाँ पर ऐड करते हैं डिवाइस कनेक्शन पेयर। यहाँ पर हम अपने सेकंड बिग आई पी का मैनेजमेंट एड्रेस देंगे 178.4.4.4.5 इसका, और पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड। रिट्रीव डिवाइस इंफॉर्मेशन, ठीक, डिवाइस सर्टिफिकेट मैच। तो ये देखें उसने हमें नेम शो कर दिया बिग आई पी टू कि ये डिवाइस है। मैं कहता हूँ ठीक एड, ठीक, एरर क्या है, अनेबल टू एड पेयर द डिवाइस कॉमन बिग आई पी टू डज नॉट हैव अ कॉन्फिग सिंक सेट अपडेट द फॉर द डिवाइस। तो हम यहाँ पर आकर इसके बिग आई पी टू में डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइसेस में और बिग आई पी टू कॉन्फिग सिंक को कर लेते हैं कि इसने 30 HP लैन यूज़ करेगा और फेलओवर नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर साथ कर देते हैं। फर्स्ट इंटरनल कर देते हैं, रिपीट और इसके बाद हम मैनेजमेंट कर देते हैं फिनिश्ड। लोडिंग, रिसीविंग कॉन्फ़िगरेशन हो रही, ठीक, ये हो गया। और मिररिंग ताकि हमारी सेशंस की डिटेल्स भी सिंक होती रहे, इंटरनल पे कर देते। ठीक, सो अब मैं वापस आता हूँ। अभी इधर एक चीज़ आप चेक कर लें, ऑनलाइन एक्टिव और स्टेटस ऑनलाइन एक्टिव है और ये इसकी स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। इस तरह बिग आई पी वन पे भी ऑनलाइन एक्टिव और स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है। मैं अब दोबारा इसको एडवाइस करता हूँ। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, डिवाइस मेरी ट्रस्ट मेंबर्स में ये डिवाइस ऐड हो चुकी है, होस्ट नेम ये और पेयर। ठीक, मैं डिवाइस ट्रस्ट पे आता हूँ और उसके बाद डिवाइस पे चेक कर लेते हैं, ये मेरा हो चुका है और ये इन सिंक मोड में
है, ऑनलाइन एक्टिव है, बिग एपी वन ग्रीन साइन शो भी कर रहा है और इधर स्टेटस भी आ चुका है, स्टैंड अलोन से इनसिंक मोड में चला गया, और ये बिग एपी टू अभी एक्टिव है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इनसिंक मोड में ऑनलाइन और एक्टिव चेक कर देते हैं इसको जरा। ये भी इनिशियलाइजिंग है, नॉट सिंक आ रहा है, और इसको सिंक चेक करते हैं। ठीक, सिंक ये हमारे पास दोनों एक्टिव आ रहे हैं, और चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, और दोनों एक्टिव हैं। ठीक, डिवाइस में ओवरव्यू, और हमने डिवाइस ग्रुप, डिवाइस ग्रुप कोई फेल ओवर ग्रुप हमने नहीं उसको अभी असाइन किया, तो वो हम इधर से क्रिएट करते हैं। मैं इसको कर देता हूँ फेल ओवर ग्रुप जी। ठीक, सिंक ओनली, सिंक फेल ओवर कर देते हैं, और इसमें डिवाइस क्रिएट कर देते हैं। ठीक, और सिंक टाइम कर देते हैं ऑटोमेटिक विद इंक्रीमेंटल सिंक, ऑटोमेटिकली वो सिंक करे, और जब कोई चेंजेस हो तब भी सिंक करे। ठीक, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये इसने स्टेटस अपना चेंज किया अभी, नॉट ऑल डिवाइसेस सिंक, क्योंकि अभी एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है और इसकी टाइप जो है सिंक फेल हो रहा है, और कॉन्फिगरेशन सिंक ऑटो टाइप है। वेटिंग फॉर initial sync. तो तकरीबन ये पांच से चार से पांच मिनट इसको चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसके अंदर अंदर ये अपने जो है कॉन्फ़िगरेशन सिंक कर लेता है। डिवाइस ग्रुप इसने देखा ना, ये बिग आईपी टू पे भी आ चुका है, हालांकि हमने बिग आईपी वन पे कंफिगर किया था। बस ये अपने स्टेटस चेंज करता है, तो फिर आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली तकरीबन तीन से चार मिनट ले सकता है, अगर हम वेट नहीं कर सकते तो पुश द सिलेक्टेड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टू द ग्रुप। ठीक है, मैन्युअली मैं पुश कर देता हूँ। देखें इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिंक हो चुकी है। अब ये बिग आईपी टू जो है वो एक्टिव आ चुका है, और बिग आईपी वन स्टैंड बाय आ चुका है। ये तकरीबन दो तीन से चार मिनट लगे हैं इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन सिंक करते हुए। ठीक, तो ये हम इनको पेयर कर चुके हैं, ट्रस्ट बना चुके हैं। अभी ये ऑनलाइन और स्टैंड बाय है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो एक्टिव और एक्टिव की F5 की डिप्लॉयमेंट है। ठीक, अब सबसे पहले हम अपना वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हैं।
पूल्स हमने क्रिएट किए और नोड्स, सो नोड्स भी नहीं किए, तो हम सबसे पहले नोड्स ऐड करते हैं। ठीक, मैं इसको S1, ठीक, और इसका IP है 20.1.1.1। एलिमिनेटर ये भी इसको क्या कहते हैं, और रिपीट, और 20.1.1.2 रिपीट। सॉरी, मैं जो है ना इसका S2 और S1 तो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, एक मैन को डिलीट करता हूँ। और क्योंकि ये मैं स्टैंड बाय पे कर रहा था, इस वजह से मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। मैं एक्टिव डिवाइस पे आता हूँ और लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट और नोड्स, वो तो वहाँ से भी जाना था लेकिन उसके लिए मुझे मैनुअल पुश करना पड़ना था। तो S1 और 20.1.1.1 रिपीट, S2 और 20.1.1.2 रिपीट, S3 और 20.1.1.3 रिपीट, सॉरी डिस्क्रिप्शन 20.1.1.3। तो ये मेरे नोड्स ऐड हो चुके 400 से, और 20.1.1.2 और 3 और 4। ठीक, हम पूल्स क्रिएट करते हैं। HTTP और इस पर मैं HTTP enable कर देता हूँ, health और ICMP। ठीक, और load balancing method वो by default चल रहा है, और इसमें node list कर देते हैं। tool 1 में मैं 20.21 को, और इधर को HTTP ठीक ऐड कर देते हैं, और इसी तरह S2 भी पूल 1 में ऐड कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे इन पे हो चुका। अगर मैं तो एडवांस पे चेक कर देता हूँ तो ठीक, रिपीट, और इसमें मैं ऐड करता हूँ टूल 2 में S3 करता हूँ, ये मेरे पूल 1 के नंबर है।
एस थ्री एड एस फोर एड, ठीक, और इसको मैं फिनिश कर दूँ। तो ये मेरे इसके आई सी एम पी और HTTP, ठीक है। तो ये मेरे दो टूल्स कॉन्फ़िगर, ये भी रेड इस वजह से क्योंकि अभी वो मशीन नहीं मैंने स्टार्ट की, ठीक। HTTP पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लिए, नोड्स ऐड कर ली, और अब हम आते हैं वर्चुअल सर्वर। ठीक, स्टैंडर्ड डेस्टिनेशन इसका नाम सेंड करते हैं 10.1.101 आई थिंक, टोपोलॉजी चेक कर लेते हैं, डेस्टिनेशन जो है 1.1 है। ठीक, और सर्विस HTTP, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट पूल अटैच करना है, इसके साथ HTTP पूल 1 अटैच कर दिए हमने, और ठीक है, HTTP को पूर्ण हमने कर दिया। अगर मैं इसको एक सेकेंड वर्चुअल सर्वर ग्रुप भी बनाना है तो VS2 और इसका मैं कर 1.2.102 और पोर्ट 80 पे HTTP पे चलेगा अनेबल्ड, ठीक। स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये हमारे पास डिफॉल्ट सिस्टम से ये हमारे पास पूल आ गया। डिफॉल्ट पूल 2 में हमने इसको ऐड कर दिया, फिनिश करते हैं। तो ये VS2 हमने क्रिएट किया स्टैंडर्ड, और ये VS1 पूल 1 के लिए और VS2 पूल 2 के लिए। और अगर मैं इसको वर्चुअल सर्वर लिस्ट के सॉरी वर्चुअल रेल्स लिस्ट में और ये चेक करें 101 और 102, ठीक, ट्रैफिक को 1। तो अभी ये जितनी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं ये मैंने बिग आईपी 2 पे की हैं और ये एक्टिव था। मैं चेक करता हूँ मेरा सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, और ये देखें बिग आईपी 1 पे भी ऑटोमेटिकली उसने सिंक कर लिया है कॉन्फ़िगरेशंस को। पूल्स चेक कर लेते हैं, पूल्स भी ऐड हैं, नोड भी ऐड, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर्स को अप एंड रनिंग करता हूँ। तो अभी ये सर्वर्स को स्टार्ट किया है मैंने, तो ये मेरे सर्वर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। मैं सर्वर 1 पे
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस और इंटरफेस इसका गीगाबिट जीरो इसी तरह सेम मैं इन चारों पे करूंगा और तब तक के लिए मैं इसको तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशंस तमाम रोटर्स पे कॉन्फ़िगर कर ली है। ठीक तो अब हम अपने बिग आईपी पे एक्टिव करते हैं और एक दफा पोल्स ये देखें हमारे उसकी हेल्थ से चेंज हो चुके हैं। हम नोड्स पे आते हैं और नोड्स पे उम्मीद है कि ये हमारे नोट भी अब आ चुके हैं। अब मैं इस पे चेक करता हूँ जाकर नोट्स पे तो ये कॉन्फ़िगर ठीक है। हमने नोट्स ऐड कर लिए, जो सर्वर ऐड कर लिए और ये सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। अभी हमारा जो चल रहा है वो एक्टिव बिग आई पी 2 है और जो स्टैंड बाय है वो बिग आई पी 1 है। तो इसको मैं ये हमारा प्रेफर्ड ऑर्डर है ठीक है और ये भी ट्रैफिक ग्रुप 1 है तो ऐसे चलो ठीक है। इसको मैं शेयर कर इसको मैं बिग आईपी 2 को स्टैंड बाय कर देता हूँ ताकि बिग आई पी 1 हमारा जो है वो एक्टिव हो जाए। ठीक इसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया है ऑनलाइन स्टैंड बाय। अब हम बिग आई पी 1 पर जाते हैं तो वो ऑनलाइन एक्टिव आ चुका है। अब हमने बेसिक कॉन्फ़िगर जो मेजर हमारा था कि हमने एक्टिव एक्टिव का टास्क करना है तो हम आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइसेस पे और ये देखें हमारा अभी ये एक जो है वो स्टैंड बाय पे है और एक एक्टिव पे है। ठीक है तो हम ट्रैफिक ग्रुप में आते हैं और यहाँ पर हम ट्रैफिक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक मैं क्रिएट करता हूँ ट्रैफिक ग्रुप HTTP ट्रैफिक ग्रुप को पूल 1 कर देते हैं पूल 1। ठीक और मैं कहता हूँ कि पूल 1 जो है मेरा वो बिग आई पी 1 पे आएगा और जो उसका बैकअप होगा वो बिग आई पी 2 होगा। ठीक है और ऑलवेज फॉल बैक Always fail back to first, fall back to first device if it is available, fail back. ठीक है अगर ये डाउन हो जाता है मेरा बिग आई पी 1 तो ऑब्वियसली बिग आई पी 2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो स्टैंड बाय पे है। लेकिन अगर मेरा उसके बाद बिग आई पी 1 रिकवर हो जाता है तो वो इंटरवल जो है 60 seconds के बाद वो बिग आई पी 1 दोबारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ ट्रैफिक ग्रुप पूल 1 को। तो ये मेरा ट्रैफिक ग्रुप पूल 1 है और ये मेरा बाय डिफॉल्ट जो है ट्रैफिक ग्रुप 1 है। ठीक
अभी एक्टिव डिवाइस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए इसको मैं जरा ठीक ट्रैफिक ग्रुप पोल वन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं आता हूँ एक नया पोल कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रैफिक ग्रुप पोल टू। ठीक है एच टी टी पी पूल टू जो होगा हमारा वो और प्रेफर्ड ऑर्डर में कहता हूँ पूल टू के लिए मुझे ट्रैफिक जो है बिग आई पी टू से पास करनी है और इसका स्टैंड बाय जो होगा वो बिग आई पी वन होगा। तो मैं कहता हूँ सॉरी ये ऑप्शन ये भी क्लिक कर देते हैं क्रिएट ट्रैफिक। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने क्लिक कर दिया था। ऑलवेज फेल बैक कर देते हैं एनेबल और उसके बाद हम सेव कर देते हैं। ठीक ये हमने दो ट्रैफिक ग्रुप बना दिए ट्रैफिक ग्रुप पूल वन फॉर एच टी टी पी पूल वन के लिए और जो ग्राफिक ट्रैफिक ग्रुप पूल टू है वो उसके लिए। अब हम इनको और ये देखिए यहाँ पर इसका स्टेटस जो है पहले दो का बिग आई पी वन जो है वो एक्टिव है पूल वन के लिए और बिग आई पी टू जो है वो एक्टिव है पूल टू के लिए और इसकी स्टैंड बाय में इसका वाइस वर्सा है। ठीक है तो अब हम जो है लोकल ट्रैफिक पे जाते हैं हमने ये पूल जो हमने क्रिएट की हैं इनको हमने असाइन करना है टू पर्टिकुलर वीएस। तो हम इसकी वर्चुअल एड्रेस लिस्ट पे आते हैं और देखें अभी इस पे बाय डिफॉल्ट जो था ग्रुप ट्रैफिक ग्रुप वन वो असाइंड है। ठीक है इसमें और हम इसको चेंज करते हैं मैं कहता हूँ 101 को असाइन करो ट्रैफिक ग्रुप पूल वन से। ठीक है और अवेलेबिलिटी ठीक है और ये सारा कुछ उसका ठीक अपडेट कर देते हैं। तो ये मेरा ट्रैफिक ग्रुप पूल वन में आ चुका है और मैं इसी तरह वी एस टू पर जाता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ट्रैफिक ग्रुप पूल टू। और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ ठीक है और ये मेरा अपडेट हो चुका है इसका वर्चुअल एड्रेस लिस्ट में। और ये देखें जो ये वी एस है वी एस टू वो मेरे लिए जो है वो ट्रैफिक ग्रुप पूल टू की और इसकी ट्रैफिक को हैंडल करेगा। ठीक है और अब हम जो है एक हमने डिफॉल्ट रोड भी ऐड करना है डिफॉल्ट रोड इसका कर देते हैं डिफॉल्ट शॉर्ट
ठीक है, डेस्टिनेशन इसकी है। ठीक है, तो अब हम ये अपना वर्चुअल सर्वर्स के साथ पोल ऐड कर चुके हैं। तो इसके बाद हम डिवाइस मैनेजमेंट पे आते हैं और डिवाइसेस का स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आपने नोट किया होगा कि दोनों ग्रीन हो चुकी हैं। एक दफ़ा हमने इधर से भी स्टेटस चेक कर लेते हैं, ये ऑनलाइन ऊपर शो कर रहा है और ये एक्टिव है। ठीक है, बिग आई पी वन, अगर मैं बिग आई पी टू पर जाऊँ तो वो भी ऑनलाइन है और एक्टिव है, हालांकि पहले इसे वो एक स्टैंड बाय पे थी और एक एक्टिव पे थी। ठीक है, तो अब दोनों जो बिग आई पीज हैं वो एक्टिव एक्टिव स्टेट पे हैं। तो मजीद इसको चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लें, दोनों एक्टिव स्टेट पे हैं। ठीक है, और ट्रैफिक ग्रुप को चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा ट्रैफिक ग्रुप पूल वन है, इसके लिए जो एक्टिव है वो बिग आई पी वन है और ट्रैफिक ग्रुप पूल टू के लिए बिग आई पी टू है। तो जो मेरी ट्रैफिक पूल वन की जो होगी वो ट्रैफिक वो सारी बिग आई पी वन से कम्युनिकेट होगी और ट्रैफिक पूल टू की बिग आई पी टू से होगी। तो इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, ये मशीन स्टार्ट हो रही है, तब तक इसको पॉज करता हूँ। तो ये मेरी मशीन स्टार्ट हो गई क्लाइंट, इस पर अब पहले नेटवर्क सेटिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक, इसको आईपी जो मैंने साइन किया है 10.1.100.255.255 और गेटवे इसको मैं जो मेरा एक्सटर्नल फ्लोटिंग है वो मैं साइन कर देता हूँ 10.1.10.1.1.30। ठीक, और ओके ओके क्लोज। ठीक हो गया, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। मैं अपने HTTP VS1 से ट्रैफिक जनरेट करता हूँ 10.1.1.10। तो ये उसने किया है अपना पासवर्ड जो हमने रोटर को किया था। ओके, वो ट्रैफिक जो उसने मेरी कनेक्ट की है वो S1 के साथ की है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो उसने रोटर के साथ S1 रोटर, और आई थिंक मैंने S2 का जो है वो उसका होस्ट नेम चेंज नहीं था किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसको मैं चेंज करता हूँ। बाकी पे भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो आखिर टेस्टिंग जो है वो हमारी ठीक हो जाए।
ये मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया, सॉरी। ठीक, अब मैं चेक करता हूँ। S2 S1 S2 S1, मैं ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ इस पर। ठीक, तो अभी पहले मैं इसके स्टैट्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि S1 पूल वन में से है, तो पूल वन S1 S2 जो मेरा है वो पूल वन के मेंबर हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है वो मेरी बिग आईपी से पास होनी चाहिए। मैं स्टैट्स पे आता हूँ, मॉड्यूल ट्रैफिक लोकल ट्रैफिक, और स्टेटस समरी विर्चुअल सर्वर्स। ये देख, VS1 से मेरी ट्रैफिक पास आउट हो रही है। ठीक है, हालांकि जो बिग आई पी 2 है वो भी एक्टिव स्टेट में है, लेकिन हमने इसको बाइंड कर दिया है विर्चुअल सर्वर 1 के साथ, जिसके साथ पूल ट्रैफिक ग्रुप पूल 1 बाइंड है। अब मैं एक्सेस करता हूँ अपने सेकंड VS को, उसका आई पी था 102, और तो अब हम जो है 102 को ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो ये उसने हमें कहा फर्स्ट हो रही है सिस्को। ओके, तो ये सर्वर 4, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सर्वर 3 पे जाना चाहिए। सर्वर 3 सर्वर 4, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये पूल 2 पे जा रहा है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ वर्चुअल सर्वर्स की लिस्ट में, और स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स ट्रैफिक समरी लोकल ट्रैफिक, और यहाँ पर हम करते हैं वर्चुअल सर्वर्स के। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, एक दफा मैं इसको जरा दोबारा ट्रैफिक रीइनिशिएट कर देता हूँ। ट्रैफिक लोकल ट्रैफिक, और वहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कि फ्यूचर सर्वर्स को ट्रैफिक। तो ये देखिए, ये VS2 पे जो हमें बिग IP2 पे जो जिसके लिए जो एक्टिव है उसकी ट्रैफिक यहाँ पर शो करवा रहा। ठीक है, और VS1 के लिए 0 है, और इधर देखिए बिग IP1 पे तो VS1 के लिए ट्रैफिक जनरेट इधर से, वो VS1 को इधर से उसने हिट किया है, और VS तो ये हमारा एक्टिव का सिनेरियो है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं जैसे कंप्लीट मेरा टास्क हो चुका है, तो अगर मैं ये देखूं, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और तो डिवाइसेस में अगर मैं इसको फोर्स ऑफलाइन कर दूं, मतलब कि अपना जो मेरा एक्टिव था बिग IP1 उसको मैं ऑफलाइन कर रहा हूं, ताकि हम देख सकें कि ये उसका स्टैंड बाय भी, ये देखें फोर्स्ड ऑफलाइन स्टेटस आ गया बिग IP1 का। तो मैं इधर आता हूं और बिग IP2 पे डिवाइस मैनेजमेंट पे और डिवाइसेस पे चेक करते हैं, तो ये ऑफलाइन आ रहा है।
ठीक है, और मैं इधर से अपनी टोपोलॉजी से हिट्स करता हूँ। ये तो मेरा पहले ही उस पे था, मैं भी अगर मैं 101 करूँ, तो ये देखिए अभी उसने जनरेट किया है सिस्को, और ये मुझे अब सर्वर वन अपना पूल वन भी शो हो रहा। हालांकि मेरा जो है बिग आई पी वन वो ऑफलाइन स्टेट पे है, ठीक है, ये ऑफलाइन स्टेट पे है, और ये देखिए ये जनरेट इसके साथ, ठीक है। तो मतलब कि हमारा अगर कोई ऑफ हो जाएगा तो एक्टिव स्टैंड पर, और लास्ट इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर इसको मैं रिलीज ऑफलाइन करूं, तो जो हमारा था 16 इंटरवल का, तो वो टाइम फ्रेम इसका पूरा होने देते हैं। देखिए यहीं पे भी अभी बता रहा था कि ट्रैफिक बिग आई पी टू पर जा रही है, क्योंकि हमारा बिग आई पी वन जो था ये ऑफलाइन था, तो अभी मैंने बिग आई पी वन को दोबारा ऑनलाइन किया है, तो ये 60 सेकंड्स का इंटरवल उसने कहा था कि ऑटोमेटिक जो है वो फेल बैक कर जाएगा, तो मैं वेट करता हूँ, वो इसके साथ सिंक कर लेता है कॉन्फिगरेशंस। और ये इसने चेंज कर लिया है, ये अब ट्रैफिक ग्रुप पूल वन जो है वो बिग आई पी वन के लिए एक्टिव हो चुका है और अपने वापस इनिशियल स्टेट पर आ चुका है। तो ये था हमारा जो टास्क, और ये दोबारा टोपोलॉजी है, और ये उसकी वेरिफिकेशन वगैरह है। फाइनल स्टैट्स चेक कर लें लोकल ट्रैफिक में, तो ये हम वर्चुअल सर्वर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा था जो टास्क एक्टिव की डिप्लॉयमेंट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।